दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं श्री बद्री विशाल जी के मंदिर, जो कि है उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ सिटी पे। और ये मंदिर हिंदुओं के पवित्र और धार्मिक चार धाम में से एक धाम है, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और यह मंदिर नर और नारायण दो पर्वत चोटियों के मध्य विद्यमान है। पुराणों और महाकाव्य के अनुसार हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पे होगा, तब ये दो पर्वत चोटियाँ आपस में मिल जाएंगी। और यहाँ जो मौजूद मंदिर है बद्री विशाल जी का, ये विलुप्त हो जाएगा। तब इस मंदिर को तपोवन नामक स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहीं पर भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना होगी। दोस्तों बद्री विशाल जी का मंदिर सुबह 4 से दोपहर 1 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है और दोपहर 1 से 3 बजे का टाइम विश्राम के लिए होता है और 3 से 8 बजे तक आप यहां दर्शन कर सकते हैं। पुराणों व महाकाव्यों के अनुसार हिंदू में ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तो ये नर और नारायण दो पर्वत चोटियां आपस में मिल जाएंगी और यहां श्री बद्री विशाल जी का मंदिर विलुप्त हो जाएगा और इस मंदिर को दर्शन हेतु तपोवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और तब भगवान बद्री विशाल अपने कलकि अवतार में अवतरित होंगे और उस समय कलयुग का अंतिम चरण होगा और जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और यह मंदिर नर और नारायण दो पर्वत चोटियों के मध्य स्थित है। बद्री विशाल जी का मंदिर हर साल अप्रैल और मई महीने में खुलता है और नवंबर के तीसरे सप्ताह में सर्दियों के लिए बंद कर दिया जाता है। और अर्थात यह मंदिर 6 महीने के लिए ही खुलता है और ये सर्दियों में भगवान बद्री विशाल की प्रार्थना जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में जब इस मंदिर के कपाट बंद होने से पहले इस पवित्र स्थान में मूर्ति के सामने एक पुजारियों द्वारा एक दीपक लाया जाता है और जब मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खुलते हैं, तब मंदिर के ज्योत मगाता हुआ नजर आता है। ऐसी मानते हैं कि भगवान विष्णु के ही अंश नर व नारायण ने इन्हीं दो पर्वत चोटियों में तपस्या की थी और अगले जन्म में नर अर्जुन को और नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा चार धामों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। और बद्रीनाथ मंदिर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है, जिनमें गर्भगृह, दर्शन मंडप और इसके अलावा भी मंदिर परिसर में लगभग 15 से भी अधिक मंदिर हैं। और यह मंदिर का मुख्य प्रांगण है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं अनेक मंदिर स्थापित किए गए हैं। चार बजे ओपन हो जाता है आरती, कितने 4 बजे ही हो जाती है। अच्छा, 4 बजे दर्शन हो जाएंगे ना जी। सुबह दर्शन करके सोच रहे हैं फिर प्रस्थान किया जाए जी। ठीक है सर, नमस्कार। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ये मंदिर बद्रीनाथ धाम, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस मंदिर को 7वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार लोगों का यह भी मानना है कि अगर श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने आते हैं, तो उन्हें गर्भ जन्म से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उन्हें माता के गर्भ से जन्म लेने में मुक्ति मिल जाती है। इस तप्त कुंड के बारे में श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था और तभी से यह स्थान गर्भकुंड के नाम से जाना जाता है।
जब आप इस कुंड के पानी को छुएंगे तब आपको ये काफ़ी गर्म महसूस होगा, लेकिन जब आप इसमें स्नान करेंगे तब ये आपके बॉडी जितना टेम्परेचर हो जाएगा और आप इसमें आसानी से नहा सकते हैं। और लोगों में ऐसी मान्यता भी है कि जब श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं तब उनके स्किन से रिलेटेड रोगों से मुक्ति हमेशा के लिए मिल जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के दाईं ओर अलकनंदा नदी तट पर एक नारद कुंड है, जिसमें स्नान करने से लोगों में ऐसी मान्यता है कि उनको मरने के बाद मोक्ष मिलता है। और नारद जी ने भगवान बद्रीनाथ को शालिग्राम पत्थर की मूर्ति को इसी कुंड में छिपा दिया था, जिसको बाद में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में इस मूर्ति की स्थापना की, और जो 1 मीटर लंबी है जिसको नारद कुंड से निकालकर मुख्य मंदिर में स्थापित किया, जिससे भगवान विष्णु के 8 स्वयंभू प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। अलकनंदा नदी का उद्गम तटोपन और भागीरथ ग्लेशियर के संगम पर होता है, और यह नदी तिब्बत से 21 किलोमीटर दूर भारत के आखिरी गांव माड़ा होते हुए सरस्वती नदी की सहायक नदी में मिल जाती है। और यह नदी भारत के आखिरी गांव माड़ा से होते हुए 3 किलोमीटर नीचे अलकनंदा नदी बद्रीनाथ होते हुए यह 5 नदियों में संगम करते हुए पंचप्रयाग बनाती है, और देवप्रयाग में यह भागीरथी नदी में मिल जाती है, तब इसका स्वरूप गंगा के नाम से होता है। और क्या हो उसके बाद भारत के आखिरी गांव माड़ा से बद्रीनाथ तक यहां शालिग्राम निर्मित पत्थर पाए जाते हैं, जिनको हम आम भाषा में ब्लैक स्टोन के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ धाम ये जो नदी की आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये अलकनंदा नदी है बद्रीनाथ धाम के ऊपर।